आज सुबह मैं ऑलमोस्ट 8:30 बजे उठा था। आज भी मेरे भाई की सबसे छोटी बच्ची मेरे रूम में आई। उसने पहले मुझे थोड़ी सी चुटकियाँ काटी। मैं उठ गया था, लेकिन मैं फिर भी उठ नहीं रहा था। फिर उसने मुझे 2-3 थप्पड़ मारे, फिर मैं उठ गया, फिर वो कमरे से भाग गई एंड फिर थोड़ी देर बाद रूम में वापस आ गई। फिर मुझे बोलती है कि मुझे अंडे के बच्चे दिखाओ, अंडे के बच्चे यानी कि तोते के बच्चे। मैंने आज बोला कि मेरा जो इंटरनेट पैकेज है वो ख़त्म है, और सच में मेरा इंटरनेट पैकेज अभी नहीं है। बट वो बार बार ज़िद कर रही थी, मुझे वीडियो दिखाओ, मुझे तोते दिखाओ। लेकिन उसे फिर मैंने चक्कर दे के भेज ही दिया। फिर मैं उठा, मैंने मुँह हाथ धोया, ब्रश किया। उस दौरान अम्मी नाश्ता बना रही थी एंड मैं सहन में वॉक कर रहा था। फिर नाश्ता बना, नाश्ता खाया, फिर मैं सहन में थोड़ी सी वॉक के लिए चला गया। और उसके बाद फिर मैंने सोचा क्यों ना मैं घर को साफ़ कर लूँ। फिर मैंने जो है ब्रश से पहले घर को साफ़ किया, उसके बाद मॉप लगाया एंड अभी मैं जो इलेक्ट्रिक ट्रिमर है उसको चार्जिंग पे लगा के आया हूँ, क्योंकि शेव भी थोड़ी बढ़ गई है, उसको भी उतारूँगा। और अभी भी थोड़ी थोड़ी ठंडक ठंडक फील होती है। गर्मियाँ आ तो गई हैं थोड़ी बहुत, लेकिन ज़्यादा फील नहीं होती। तो अभी भी मैं नॉर्मल पानी से नहीं नहाने वाला। तो अभी मैं जाऊँगा किचन में और पानी को गर्म करने के लिए रखूँगा और उसके बाद नहाऊँगा। मैंने शेव भी कर ली और नहा भी लिया। वैसे धूप बहुत तेज़ निकली हुई है, लेकिन गर्मी फील नहीं हो रही। कुछ दिन पहले बारिशें भी हुई थी, शायद इस वजह से। और एक और भी मैं आपसे बात शेयर करना चाहूँगा। लास्ट ईयर मुझे याद है कि मैं अप्रैल में इस रूम से निकल के दूसरे रूम में चला गया था, क्योंकि गर्मी काफ़ी हो गई थी। लेकिन अभी भी मैं इसी रूम में मौजूद हूँ और मैंने अभी तक पंखा भी नहीं लगाया, क्योंकि मौसम जो है ठंडा ठंडा हो जाता है, बारिशें बार बार हो रही हैं इस वजह से, और कुछ ये क्लाइमेट चेंज का भी इफ़ेक्ट है। खैर, आज मैं कुकिंग करूँगा। आज मैं बनाऊँगा चिकन पुलाव खुद से। चिकन पुलाव मेरी फेवरेट डिश में से एक है। वैसे तो मुझे चावल बनाने नहीं आते, और बहुत अरसे से मैंने इवन सालन भी कोई नहीं बनाया। हाँ, बेसिक कुकिंग मैं कर लेता हूँ कभी कभी, जैसे कि अंडा फ्राई करना, चाय बनाना या फिर नान को फ्राई करना। एक्सट्रीम कुकिंग मैंने नहीं की, लेकिन अभी मैं पूरी कोशिश करूँगा कि चिकन पुलाव खुद से बना लूँ। तब जाता हूँ मैं किचन में और कुकिंग स्टार्ट करता हूँ। ये है चावल, चावलों को भिगो दिया पानी में। ये है चिकन, चिकन को धो भी लिया और इसका पानी भी ड्रेन हो गया। आधा किलो चिकन है। ये कटा हुआ टमाटर, साबुत मिर्चें, प्याज, ये कुटी हुई अदरक और लहसुन, और आधा कप ऑयल। और एक डिश अम्मी ने पहले से तैयार करके रखी हुई है, ये है जी मुर्गी की कलेजी, जिसको पोटा कलेजी कहते हैं। ये मुझे तो पसंद नहीं है, और ये बनी क्यों हुआ है इसका भी एक रीज़न है, वो मैं आपको बाद में बताऊंगा। तो अब मैं चूल्हे पे देचकी रख रहा हूँ और आग लगाने लगा। अब मैं आधा कप ऑयल डाल रहा हूँ और आप जो कटे हुए प्याज हैं मैं वो डाल रहा हूँ। प्याज जो है थोड़े से ब्राउन हो गया, मैं अदरक लहसुन कुटा हुआ डाल रहा हूँ। अदरक लहसुन और जो प्याज है थोड़ा और ब्राउन हो गया, अब टमाटर डाल रहा हूँ। जो साबुत मिर्चें हैं ये बाद में डालनी है। अब जो सबसे मुश्किल काम है वो है जी मसाले को डालना। ये है जी रेड मिर्चें, ये है नमक,
और ये गरम मसाला, अब मैं इसको डालने लगा हूँ। ये मैं नमक डाल रहा हूँ, नमक ऑलमोस्ट एक चम्मच है, और रेड मिर्च से जो है आधा चम्मच। गरम मसाला हमारा ख़त्म हो गया था तो बाहर से थोड़ा सा मंगाया, ये डाल दिया मैंने। मिक्स कर देता हूँ, ये थोड़ा सा पानी डालने लगा हूँ ताकि मसाला लगे ना। अब मैं मसाले में चिकन डालने लगा हूँ। अब चिकन को थोड़ी देर भूनना है इसी मसाले के अंदर, थोड़ा सा वाइट हो जाए तब तक। चिकन जो है वो भुन गया, अब इसमें 3 गिलास में पानी डालने लगा हूँ। 1 गिलास, 2 गिलास और ये 3 गिलास। इसमें अब ये साबुत मिर्चें डाल दी और अब इसको थोड़ी देर पकने देना, तो मैं ढक रहा हूँ। चिकन जो है नरम हो गया और पानी को बॉयल भी आ गया। मैं राइस डालने लगा हूँ, ये आधा किलो चावल है, आधा किलो मुर्गी थी और आधा किलो चावल। चावलों को चेक करता हूँ, इसको हिला देता हूँ, बस इसे दम पे लगाने लगे हैं। ये मैं तवा रखने लगा हूँ, तवा भी हमारा अजीब सा है, थोड़ा सा टेढ़ा है, बस इससे काम हो जाता है। ये चावल मैंने रख दिए। अब आग जो है मैं स्लो कर रहा हूँ और इसको 5 से 7 मिनट तक दम पे रखना है। चावल बन गए हैं लेकिन थोड़े से ज़्यादा गल गए हैं क्योंकि मैंने पानी जो है थोड़ा ज़्यादा डाल दिया था। तो चावल मैंने खा लिए हैं, चावल टेस्टी बने हैं लेकिन थोड़े से ज़्यादा गल गए हैं क्योंकि मेरे से थोड़ा पानी ज़्यादा डल गया। खैर, पहली दफ़ा बनाए हैं तो थोड़ी सी तो मिस्टेक हो सकती थी और हुई है, लेकिन बार बार चावल बनाऊंगा तो फिर सही बनाने आ जाएंगे। खैर, आपको मैंने वीडियो में बताया था कि हमारे घर जो चिकन की कलेजी है वो बनी हुई है, पोटा कलेजी। असल में जो मेरे अब्बू हैं वो चावल नहीं खाते, चाहे पुलाव हो, बिरयानी हो या बॉयल्ड राइस हो, वो चावल नहीं खाते। तो जब भी घर में चावल बनते हैं तो या तो गाय की कलेजी बनती है या मुर्गी की कलेजी बनती है, या फिर अगर पहले का कोई सालन पड़ा हो तो अब्बू वो खा लेते हैं या अंडा खा लेते हैं। तो ये था रीज़न कलेजी का, और चावल नेक्स्ट टाइम कोशिश करूँगा कि परफेक्ट बनाऊँ। और ये थी आज की वीडियो, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।